हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट फर्स्ट का एक और नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। लेकिन आपको बोर्ड पे जो हेडिंग दिख रहा होगा, वो हेडिंग क्या लिखे हैं? सोमरफेल्ड एक्सटेंशन ऑफ बोहर्स मॉडल। और अगर इस हेडिंग को देखकर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो सोमरफेल्ड का मॉडल है वो बोहर्स मॉडल का एक्सटेंशन है, तो डेफिनेटली आप राइट हैं। ये जो सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल है, ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल का ही क्या है? एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन कहा जाए तो इसका मतलब क्या कि जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था, उसी में सोमरफेल्ड साहब ने क्या किया, कुछ अपने तथ्यों को ऐड करके एक नया एटॉमिक मॉडल दे दिया और उसको सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल का नाम दे दिया। ठीक, तो ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो बोर्ड पे मैं जान के इस तरह लिखा हूँ, सोमरफेल्ड एक्सटेंशन ऑफ बोहर्स मॉडल, ताकि अगर सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल की जगह क्वेश्चन में ये चीज़ लिख के पूछ दे, आप इससे कन्फ्यूज ना हो। ठीक, दोनों चीज़ सेम है। अगर आपको कापी में ये ना लिखना हो तो आप सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर इन एडिक्वेसीज वाला लेक्चर आप देखे होंगे, बोहर से टाइम मॉडल वाला, तो डेफिनेटली आपके लेक्चर, आज के लेक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब देखिए, जो इन एडिक्वेसीज था बोहर टाइम मॉडल का, उसमें जो सबसे पहला इन एडिक्वेसीज था कि बोहर साहब ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन सर्कुलर ऑर्बिट में ही होगा, इस चीज़ का प्रमाण, या ऐसे आप कहिए कि इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन क्यों सर्कुलर ऑर्बिट में ही होगा, इस चीज़ का प्रमाण बोहर साहब ने नहीं दिया। उन्होंने अपने इच्छा अनुसार एक आर्बिट्रेरी कॉन्सेप्ट लगा दिया और कहा कि इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन सर्कुलर ऑर्बिट में होगा। जब इस चीज़ को सोमरफेल्ड साहब 1916 में स्टडी किए, तो उन्होंने कहा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन सर्कुलर ऑर्बिट में ही हो। उन्होंने ये कहा कि जैसे प्लेनेटरी मोशन होता है, जैसे अर्थ क्या कर रहा है, सन के अराउंड क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही मोशन हो सकता है। तथा साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस इलिप्टिकल ऑर्बिट का साइज और शेप क्या होगा। ठीक, तो पहला एक्सटेंशन क्या किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि आपने बताया बोहर साहब कि सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ये तो बताइए। तो बोहर साहब ने कहा, ये तो मैंने आर्बिट्रेरी कॉन्सेप्ट लिया, इसके पीछे कोई प्रमाण नहीं है। तो सोमरफेल्ड साहब ने कहा, जब प्रमाण नहीं है तो कैसे मान लिया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का जो रिवोल्यूशन होगा वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में होगा, और जो आपका सर्कुलर ऑर्बिट वाला केस है वो हमारे इलिप्टिकल ऑर्बिट का क्या होगा, एक स्पेशल केस होगा। ठीक, और साथ ही साथ सोमरफेल्ड साहब ने उस जो इलिप्टिकल ऑर्बिट कहा, तो उन्होंने हिम्मत के साथ ये चीज़ कहा और उसके साइज और शेप को भी बताया कि इलिप्टिकल ऑर्बिट का साइज और शेप क्या होगा, उसको वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो पहला एक्सटेंशन हुआ। अब देखिए, बोला हूँ ना कि जो आपका सर्कुलर ऑर्बिट है वो क्या है, एक स्पेशल केस है इलिप्टिकल ऑर्बिट का। तो कैसे है, पहले ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए, बोहर साहब ने कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट में होगा। ठीक, अब यहाँ इन्होंने कहा कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में होगा। ठीक, तो ये क्या ए है, ये क्या बी है, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस एंड दिस इज सेमी माइनर एक्सिस। तो अगर ए इक्वल टू बी हो जाता है तो इलिप्स क्या होता है, सर्किल ही हो जाता है, जिसका मतलब जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो क्या है, एक एक्सटेंशन है। किसका, बोहर, किसका एक्सटेंशन है इसका, जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो एक स्पेशल केस है किसका, इलिप्स का। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो सोमरफेल्ड साहब का जो थ्योरी था वो क्या था, बस एक्सटेंशन था, इससे दूसरे कॉन्सेप्ट ले गया गया, लेकिन उसमें वो वाला कॉन्सेप्ट भी क्या था, समाहित था। ठीक, तो इस वजह से उसको क्या कहे, एक्सटेंशन कहे। ठीक, ये क्या है, एक जनरल ऑर्बिट है जिसमें क्या करेगा, मोशन करेगा, मतलब जनरल ऑर्बिट बोले तो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, और इसी इलिप्टिकल ऑर्बिट का एक स्पेशल केस कौन हो गया, ये सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब बोहर से टाइम मॉडल क्या हो गया, इसका एक स्पेशल केस हो गया। इसी वजह से इसको एक्सटेंशन कहते हैं, सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल को क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। ठीक, अब देखिए, जैसे बोहर साहब ने बताया कि जो सर्कुलर ऑर्बिट होगा
वो मतलब इलेक्ट्रॉन का जो रिवोल्यूशन होगा वो उसी सर्कुलर ऑर्बिट में होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम nh का ऑर्डर का होगा या nh अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। वैसे मतलब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हो रहा, देखिए डिस्क्रीट डिस्क्रीट वैल्यू आएगा, n इक्वल टू 1 पे h कट, n इक्वल टू 2 पे 2 h कट, ऐसे आएगा वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यू आएगा, मतलब उसी डिस्क्रीट वैल्यू को क्वांटाइज होना कहते हैं, पीछे बताए थे। तो वैसे इन्होंने भी क्या किया, इस इलेप्टिकल ऑर्बिट को क्वांटाइज फॉर्म में बताया। ठीक, अब इसको आगे पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि इलेप्टिकल ऑर्बिट जो होगा ये भी, इसका भी जो एंगुलर मोमेंटम वगैरह मतलब जो कुछ भी होगा अभी आगे, ये भी क्वांटाइज फॉर्म होगा, आगे हम लोग इसको देखेंगे। ठीक, दो चीज़ इन्होंने क्या किया, बता दिया। ठीक, अब देखिए फिर इन्होंने क्या कहा कि जो आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है हर पॉइंट पर सेम माना है, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, तो इस वजह से उसका जो वेलोसिटी होगा वो डिफरेंट पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक, मतलब इलिप्टिकल पॉइंट के, इलिप्टिकल ऑर्बिट के हर एक पॉइंट पर जो होगा उसका वेलोसिटी सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो मतलब आइडिया ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल को इन्होंने क्या कहा इसमें से, या रिलेटिविस्टिक मास को क्या कहा, इंट्रोड्यूस किया। पहला क्या इसमें एक्सटेंशन किया कि सर्कुलर ऑर्बिट की जगह इलेप्टिकल ऑर्बिट लिया, और जैसे इन्होंने स्पेस क्वांटाइजेशन या ऐसे कहिए एक ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन दिया था, वैसे इन्होंने भी क्या दिया, कुछ क्वांटाइजेशन रूल दिया इन इलेप्टिकल ऑर्बिट के रिगार्डिंग, इसको अभी आगे देखा जाएगा। तथा साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा कि आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हर जगह सेम होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, इस वजह से जो उसका मास होगा वो रिलेटिविस्टिक होगा, और जब रिलेटिविस्टिक मास हो जाएगा तो आप फोर्थ सेम में पढ़े हैं कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी सेम नहीं होगा, मतलब हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो दो मेन कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ जब इन्होंने दो एक्सटेंशन कर दिया, इलिप्टिकल ऑर्बिट और रिलेटिविस्टिक मास वाला, तो उससे फायदा ये हुआ कि जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था वो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन लाइन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन सोमरफेल्ड साहब का ये जो दो एक्सटेंशन था, ये फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन जो था हाइड्रोजन का, उसको भी इन्होंने एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल हो गए। मतलब जो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिल रहा था, जैसे लाइमन बामन पासन सिर सब मिल रहा था, बोहर साहब ने क्या कहा था कि ये क्या है, एक सिंगल लाइन है, लेकिन जब हाई रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोग्राफ से देखा गया तो ये सिंगल लाइन ही कई सारे लाइन को मिला के बना था, इसी को फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन कहते हैं, या फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसको बोहर साहब ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन जो सोमरफेल्ड साहब का इलेप्टिकल ऑर्बिट और रिलेटिविस्टिक मास वाला कॉन्सेप्ट था, वो इस फाइन स्ट्रक्चर को भी सक्सेसफुली क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरीके से सोमरफेल्ड साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल को क्या किया, प्रेजेंट कर दिया, और उनका एटॉमिक मॉडल एक्सेप्ट हो गया, और वो सोमरफेल्ड एक्सटेंशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल के नाम से जाने जाना लगा। ठीक, तो आगे अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको एग्जाम में लेके आना है, और फिर उसमें समझते हुए चलेंगे। ठीक, तो अब आइए नेक्स्ट सेशन देखते हैं कैसे इसको लिखना है। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में कैसे लिख कराना है, कहाँ से शुरुआत करेंगे, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बोहर्स के अकॉर्डिंग द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैव अ वेल डिफाइंड वेवलेंथ। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइन मिल रही थी, स्पेक्ट्रम लाइन, उनका एक वेल डिफाइंड वेवलेंथ था और वो सिंगल थी। ठीक, लेकिन स्पेक्ट्रोग्राफ ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर, जो स्पेक्ट्रोग्राफ देखा गया हाई रिजॉल्विंग पावर का, वो क्या बता रहा था, सोच दैट वो बता रहा था कि यच अल्फा लाइन क्या होता है, कल बताए थे यच अल्फा एच बीटा सब बता दिए थे। ठीक, तो यच अल्फा लाइन का जो हाई रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोग्राफ से देखा गया, तो बता रहा था कि द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर नॉट सिंगल, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सिंगल नहीं है, मतलब एक वेल डिफाइंड सिंगल वेवलेंथ नहीं है। वो क्या रख रहा है, तो आगे क्या लिखेंगे, ईच स्पेक्ट्रम लाइन कंसिस्ट ऑफ सेवरल लाइंस पैक टुगेदर, जैसे हर एक स्पेक्ट्रम लाइन क्या है, एक सेवरल लाइन को मिलकर बना हुआ है, जो काफ़ी क्लोज होते हैं, इसको आप स्पेक्ट्रोग्राफ से ही रिजॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या होते हैं, पैक टुगेदर होते हैं, और इसमें एक एक स्पेक्ट्रल लाइन में क्या होता है, कई सारे लाइन
होते हैं जिसको मिलाकर वो बनते हैं। दिस इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ यच अल्फा लाइन, और इसी को यच अल्फा लाइन का हम लोग क्या कहते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, तो बोहर साहब ने इसको बताया नहीं, तो अब इसी को क्या किया, सोमरफेल्ड साहब ने स्टडी किया और उन्होंने क्या बताया कि टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब ये जो फाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया गया था हाई रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोग्राफ से, उसको एक्सप्लेन करने के लिए सोमरफेल्ड इंट्रोड्यूस टू मेन मॉडिफिकेशन, इन्होंने दो मेन मॉडिफिकेशन किया इन बोहर्स थ्योरी, बोहर साहब की थ्योरी में, विच वर जो क्या थे, पहला क्या था, आइडिया ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो अभी समझाए हैं, क्या कहा इन्होंने कि आपने बस सर्कुलर ऑर्बिट फॉलो कर रहा है, इस वजह से आपको ये दिक्कत हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करने में मैं इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट लेकर क्या करूँगा, फॉलो करूँगा और फिर देखूँगा, तो हमको ये देखिए इलिप्टिकल ऑर्बिट लेकर और उनको फाइन स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में सफलता मिल गई। ठीक, तो क्या हो गया, पहला आइडिया ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, और दूसरा इन्होंने क्या किया, जो उन्होंने कहा, बोर्ड साहब ने कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट है, हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी सेम होगा, मतलब हर एक पॉइंट पे सर्कुलर ऑर्बिट के, तो इन्होंने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है और उसका जो मास होगा वो वेलोसिटी के साथ वेरी करेगा। ठीक, मतलब वो एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, मतलब उसका मोशन जो होगा वो क्या होगा, रिलेटिविस्टिक मोशन होगा। क्लियर है चीज़, अब नेक्स्ट सेशन में आगे हम लोग और देखेंगे। ठीक, ये मेन दो चीज़ आपको याद रहना चाहिए कि क्या उन्होंने मॉडिफिकेशन किया और ये मॉडिफिकेशन कर दिया, तो देखिए आइडिया ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट तो कहा, लेकिन इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में सर्कुलर ऑर्बिट भी आ जाता है, इसीलिए इसको बोहर्स मॉडल का एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेशन में क्या लिखकर आना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए लास्ट सेशन जो लिखे थे उसके नीचे सब लिखिएगा, क्या लिखेंगे कि सोमरफेल्ड took into account the relativistic variation of mass with velocity, hence it is also known as relativistic atomic model. चूँकि सोमरफेल्ड साहब ने relativistic वाला concept लिया था अपने atomic model में, इसलिए इस atomic model को हम लोग relativistic atomic model भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये important line है कि अगर कहीं आपसे relativistic atomic model पूछा जाए तो कौन सा एटॉमिक मॉडल होगा, सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल ही क्या होगा, रिलेटिविस्टिक एटॉमिक मॉडल होगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो उसके रिलेटिविस्टिक को कंडीशन को, उसके रिलेटिविस्टिक कंडीशन को फॉलो किया गया है और बताया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी पे क्या होगा, उसका मास जो होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक, अभी आगे हम लोग उसको देखेंगे। अब देखिए पहला हेडिंग डाल के हम लोग लिख रहे हैं कि आइडिया ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, कि इलिप्टिकल ऑर्बिट का आइडिया क्या है। जो फर्स्ट हेडिंग हम लोग देखे थे सोमरफेल्ड का, वो क्या था, आइडिया ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट पहला मॉडिफिकेशन था। ठीक, तो देखिए सोमरफेल्ड साहब ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन होगा वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होगा, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में होगा और न्यूक्लियस इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे होगा। ठीक, तो देखिए एक फोकस यहाँ होता है, एक फोकस यहाँ होता है, तो इसमें से किसी एक फोकस पे न्यूक्लियस रह सकता है, तो मैंने इस वाले फोकस से मान लिया। ठीक, और मैं मान ले रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास स्मॉल एम है, उस पर चार्ज माइनस ही है और वो न्यूक्लियस से क्या है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से आर डिस्टेंस पे है। ठीक, न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। ठीक, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है, प्लस जेड डी, मतलब अगर ये क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो प्लस ही चार्ज न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक, इसको न्यूक्लियस कर दिए। अब मान ले रहे हैं कि जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है किसी पॉइंट पे, जो पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी है, तो देखिए इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या होगा, रेडियल कंपोनेंट होगा जो इसके रेडियस की तरफ होगा, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर डॉट से लिखेंगे, और एक रेडियल कंपोनेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो क्या होगा, ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा, जिसको आर थीटा डॉट लिखते हैं। ये चीज़ तो आप पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स में कि जो रेडियल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, उसको आर डॉट से दिखाते हैं, मतलब ऐसे लिखते हैं, भी इक्वल टू क्या होता है, डी आर बाई डी टी, ये क्या होता है, रेडियल कंपोनेंट, इसको आर डॉट कर देते हैं, और फिर जो आपका ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, भी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, तो इसी ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, भी इक्वल टू आर ओमेगा क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी, ये ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी, इसी को क्या लिख देते हैं, आर थीटा डॉट। ठीक, तो इस तरीके से दो कंपोनेंट आपके मिल रहे हैं, आर थीटा डॉट और आर डॉट। ठीक, तो आर थीटा डॉट ये आपका क्या हो गया, ट्रांसवर्स कंपोनेंट, एंड दिस इज द आर डॉट जो है वो क्या हो गया, रेडियल कंपोनेंट। इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब पहले थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखना है।
ठीक। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू सोमरफेल्ड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन जनरल इज एन इलिप्स। वो क्या होगा, इन जनरल एक इलिप्स होगा एंड न्यूक्लियस इज एट वन ऑफ इट्स फोकाई। देखिए दो फोकस हैं, एक फोकस यहाँ एक फोकस यहाँ, तो फोकस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो फोकाई होता है, ठीक। जैसे रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई, वैसे इसका क्या है, फोकाई होता है। तो क्या लिखे हैं, किसी एक फोकाई पर ये क्या हो सकता है, स्थित हो सकता है, ठीक। प्लूरल फॉर्म है फोकस का, ओके। फिर आगे क्या लिखे हैं कि द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ बोहर्स मॉडल आर द स्पेशल केस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था उसमें जो सर्कुलर ऑर्बिट था वो क्या है, इसका स्पेशल केस है। अगर ए और बी आपस में बराबर हो गए तो ये जो अंडाकार दिख रहा है ये गोलाकार हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, बोहर से टाइम मॉडल वाला कंडीशन हो जाएगा। तो इसका नाम हम ये कह सकते हैं कि जो बोहर से टाइम मॉडल है उसका क्या है, स्पेशल केस है। और इसी बात से ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एक्सटेंशन है बोहर से एटॉमिक मॉडल का, ठीक। अब देखिए फिर आगे क्या लिखे हैं कि इन केस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट देयर इज ओनली वन कोऑर्डिनेट थीटा, जिसको एजीमुथल एंगल भी हम कह सकते हैं, वेयर इज पीरियडिकली। अगर हम सर्कुलर ऑर्बिट लेते हैं, जैसे समझिएगा ऊपर का थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते करिए, लेते रहिए। अब देखिए अगर सर्कुलर ऑर्बिट हम बनाएं, अगर मान लीजिए ये बोहर से टाइमिंग मॉडल के अकॉर्डिंग चलें, दिस इज गोला, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन होगा, चलिए बना ही देते हैं, ये क्या मान लीजिए सेंटर होगा, थोड़ा सा नीचे बना है, ठीक। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कहीं होगा यहाँ, ये क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को मिलाने के लिए, इसके पोजीशन बताने के लिए बस एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, और जिसको हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। क्योंकि आर तो क्या है, इसके लिए पूरे सर्कुलर ऑर्बिट के लिए आर तो सेम है, आर तो कांस्टेंट है, बस क्या वेरी कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है। हम बता देंगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे इलेक्ट्रॉन है, थीटा इज इक्वल टू 120 पे इलेक्ट्रॉन है। तो बस थीटा का अगर हमको जानकारी हो तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का उस सर्कुलर ऑर्बिट में पोजीशन क्या है। लेकिन अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात की जाए तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में देखिए यहाँ डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कुछ और है, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस वजह से अब इसके पोजिशन को एकदम एग्जैक्ट डिफाइन करने के लिए हम लोग को थीटा की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, साथ ही साथ एक रेडियल कंपोनेंट, मतलब एक जो डिस्टेंस वाला कंपोनेंट आर है उसकी भी जरूरत पड़ेगी, मतलब आप ये कह सकते हैं रेडियल कंपोनेंट की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर एक पॉइंट पे क्या होगा, आर का वैल्यू अलग अलग होगा। लेकिन जब तक बोहर से एटॉमिक मॉडल था तो उसमें क्या था, रेडियस तो सेम था, ठीक। तो थीटा का जानकारी होने पर हम आराम से इसको क्या कर सकते थे, डिफाइन कर सकते थे कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है। अगर आप मेरा जनरलाइज कोऑर्डिनेट वाला लेक्चर देखें क्लासिकल मैकेनिक्स का, तो शायद इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, ठीक। और ये इस अगर वास्तव में कहें तो ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट को ही मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक। तो आई थिंक आप लेक्चर देखे होंगे और आपको यहाँ कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। तो अब वही चीज लिखा गया है कि इन केस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ये देखिए अलग है, न्यूक्लियस मत इसमें जोड़िएगा, न्यूक्लियस इसको दिखाया गया, ठीक, ये न्यूक्लियस है। इन केस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट देयर इज ओनली वन कोऑर्डिनेट थीटा, जिसको क्या कहेंगे, एजीमुथल एंगल, वेयर इज पीरियडिकली। एजीमुथल क्या होता है, ये आप केमिस्ट्री में इंटर पढ़े हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर वगैरह, ठीक। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको वो चीज आता है, ठीक। एजीमुथल एंगल वेयर इज पीरियडिकली, ठीक, जो क्या करता है, पीरियडिकली वेरी करेगा, मतलब एक निश्चित टाइम बाद थीटा, अगर ये 30 पे है इलेक्ट्रॉन तो एक निश्चित टाइम बाद फिर क्या होगा, 30 पर आ जाएगा, ठीक। तो अगर क्या कर रहा है, एक कोई भी पार्टिकल है एक निश्चित टाइम पीरियड बाद अपने पोजीशन को रिपीट कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, पीरियडिक मोशन कहेंगे। तो इसलिए क्या कहा गया है, वेरीज पीरियडिकली फुल स्टॉप। बट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट देयर आर टू वेरिएबल्स आर, जिसको रेडियस वेक्टर कहेंगे, एंड थीटा, जो क्या होगा, एजीमुथल एंगल होगा, ठीक। मतलब अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करेंगे तो हमको इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए दो ऑर्बिट की जरूरत पड़ेगी। पहला क्या होगा, इलिप्टिकल होगा
सॉरी पहला क्या होगा रेडियस वेक्टर और दूसरा क्या होगा ये आपका एजुमुथल एंगल। ठीक, अब इसके आगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि क्या इसके आगे और लिख कर आना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए लास्ट सेशन में जो लिखे थे उसके नीचे से फिर आप लिखना शुरू करिएगा। चूंकि मेरा बोर्ड छोटा है इस वजह से मैं बार बार इरेज करके लिख रहा हूँ, उम्मीद है कि इससे आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा अगर आप समझ के लिख रहे होंगे तो। ठीक, उसके नीचे से कंटिन्यू करिएगा और लिखिएगा कि इन इलिप्टिकल ऑर्बिट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज टू कंपोनेंट्स। ठीक, जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो दो कंपोनेंट रखेगा, एक किसके लांग रखेगा रेडियस वेक्टर के लांग, और एक दूसरा जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है इसी को हम ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी कह सकते हैं। आप बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ में पढ़े हैं मैकेनिक्स में रेडियस और या रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो एक क्या होगा वन एलॉन्ग द रेडियस वेक्टर जिसको क्या कहेंगे पी आर, एंड वन एंड अदर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर जिसको क्या कहेंगे पी थीटा। मतलब एक हम लोग का एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट इधर होगा जिसको क्या कहेंगे पी आर, और एक इधर होगा जिसको क्या कहेंगे पी थीटा कहेंगे। ठीक, अब देखिए देन अकॉर्डिंग टू विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल, जैसे बोहर सिटांग मॉडल ने बताया था ना कि क्वांटाइजेशन रूल होता है कि बोहर सामने क्या होता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इनफाइनाइटली नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एनएच कट ऑर्डर का होता है, आपको याद आ रहा होगा। ठीक, उसी तरीके से इस इलेप्टिकल ऑर्बिट के भी कुछ क्वांटाइजेशन रूल होते हैं कि किस इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उसके भी क्या होते हैं कुछ क्वांटाइजेशन रूल होते हैं जिसको विल्सन सोमरफील्ड के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं। ठीक, तो देखिए विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल क्या है मैं लिख दिया हूँ, अगर आप चाहें तो जो आपके कापी में मार्जिन होता है वहाँ नोट कर सकते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है इस वजह से इसको नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक, क्या होता है कि विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल ये बताता है कि फॉर एनी फिजिकल सिस्टम इन विच द कोऑर्डिनेट्स आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ टाइम देयर एग्जिस्ट अ क्वांटाइजेशन कंडीशन। अगर कोई एक ऐसा फिजिकल सिस्टम हो जिसमें जो कोऑर्डिनेट्स हो वो पीरियाडिक फंक्शन हो टाइम का तो वहाँ एक क्वांटाइजेशन कंडीशन या क्वांटम कंडीशन लगता है, और जो क्या होता है पी आई डी आई इसका इंटीग्रल या देखिए सर्किल बनाएगा मतलब होल इंटीग्रल मतलब पूरे ये पूरे ऑर्बिट का इंटीग्रल ले रहे हैं। ठीक, डी आई इक्वल टू एन आई एस के बराबर होता है। ठीक, जहाँ पे एस प्लैंक कांस्टेंट है, एन आई क्या है क्वांटम नंबर है, और क्यू आई क्या है कोऑर्डिनेट है उसी कोऑर्डिनेट का डी क्यू, जैसे एक्स को डी एक्स लिखते हैं ना वैसे क्यू आई को क्या लिखे हैं डी क्यू आई लिख दिए हैं, और ये पी आई क्या है मोमेंटम है। ठीक, तो ये क्वांटाइजेशन रूल बताता है, और ये इंटीग्रेशन क्या है पूरे टाइम पीरियड के लिए क्या है इंटीग्रेशन है। ठीक, तो इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ओके, तो अब देखिए इसी रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं इसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो पी आर होगा जो आपका ये रेडियस कंपोनेंट होगा मोमेंटम का वो पी आर, और चूंकि यहाँ देखिए कौन सा क्वाड्रेंट ले रहा है रेडियस वाला क्वाड्रेंट ले रहा है इसलिए क्या लिखेंगे पी आर डी आर, और पूरे एक टाइम पीरियड के लिए मतलब पूरे होल सिस्टम के लिए हम क्या किए इसका इंटीग्रेशन कर दिए। ठीक, और वो क्या होगा एन आर एच के बराबर होगा। ठीक, वो किसके बराबर होगा एन आर एच के बराबर होगा। ठीक, एन आर एच के बराबर होगा, और ये इंटीग्रेशन क्या बताता है कि एक कंप्लीट टाइम पीरियड पे क्या लिया गया है इंटीग्रेशन लिया गया है। क्यों इस पे लगा रहे हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड वाले मतलब पीरियाडिक फंक्शन के लिए रूल है, तो ये जो फंक्शन है पी आर और पी थीटा ये भी पीरियाडिक हैं, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद ये पुनः जो इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे है ये पुनः इस पोजीशन पे आएगा, और ये जो मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का ये पीरियाडिक होगा, तो इस वजह से जो पी आर और पी थीटा होंगे वो एक पीरियाडिक फंक्शन होंगे, और जो पीरियाडिक फंक्शन होंगे तो विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा पी आर डी आर इक्वल टू एन आर एच हो गया। ये इंटीग्रेशन मतलब पूरे टाइम पीरियड को दिखा रहा है कि एक टाइम पीरियड पर क्या किया गया इसका इंटीग्रेशन किया गया। ठीक, ये रूल जरूर आप कहीं लिख लीजिएगा, फ्यूचर में कभी ना कभी जरूर काम आएगा। दूसरा देखिए, अब दूसरा कंपोनेंट क्या है पी थीटा है, वो भी पीरियाडिक होगा, तो पी थीटा डी थीटा पीरियाडिक बोले क्या जब पार्टिकल अपने मोशन को एक सर्टेन टाइम के बाद क्या करे रिपीट करे तो पीरियाडिक कहलाएगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा पी थीटा डी थीटा, अब इसमें टाइम पीरियड हम डिसाइड कर सकते हैं थीटा के लिए क्या टाइम पीरियड होगा। अगर थीटा यहाँ ऐसे रहे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा तो थीटा का वैल्यू क्या रहेगा जीरो रहेगा,
फिर ऐसे ऐसे चलेगा, यहाँ आया 90, ऐसे इधर चला तो 180, फिर यहाँ जाएगा 270, फिर यहाँ चला गया 360। इसका मतलब ये थीटा का जो वैल्यू है वो जीरो से लेके क्या होगा 360 डिग्री, मतलब जीरो से लेके 2 पाई तक वेरी करेगा। तो इस वजह से इसका लिमिट हम लोग रख दिए हैं कि ये क्या होगा जीरो से 2 पाई तक इसके इंटीग्रेशन का लिमिट होगा। मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में थीटा क्या होगा जीरो एंगल से शुरू होगा। अगर मास यहाँ रहता तो थीटा इक्वल टू जीरो रहता, तो जीरो से शुरू होगा और जब कंप्लीट करके फिर यहाँ पहुँचेगा तो 360 डिग्री कंप्लीट करेगा। तो इस वजह से जीरो से 2 पाई पी थीटा डी थीटा इक्वल टू के एच हो गया। ठीक, अब देखिए रूल अगर हम लोग पढ़े रहते तो और अच्छे समझ में आता, लेकिन ये सफिशियंट है। अगर ये स्टेटमेंट आपको याद है तो वहाँ से इस चीज़ को डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, बस स्टेटमेंट से ही आपका काम चल जाएगा। ओके, अब देखिए वेयर एन आर एंड के आर इंटीजर्स, ये क्या हैं इंटीजर्स हैं जिनको क्या कहेंगे रेडियल और एजुमुथल क्वांटम नंबर कहेंगे। रेडियल क्वांटम नंबर आपको दिख रहा है रेडियस के लांग है, और एजुमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है ये इंटर के केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं। ठीक, तो वहाँ से आप इसको जान ही रहे हैं। अब देखिए टू डिटरमाइन द अलाउड इलिप्टिकल ऑर्बिट वी हैव टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब अलाउड इलिप्टिकल ऑर्बिट के किस इलिप्टिकल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, जैसे अलाउड क्या था सर्कुलर ऑर्बिट का कंडीशन ये था एल इक्वल टू एन एच कट, वैसे अब इसको जब हम इस कंडीशन को क्या करेंगे क्वांटाइज कंडीशन को क्या करेंगे इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो अलाउड इलिप्टिकल ऑर्बिट का कंडीशन हमको मिल जाएगा। ठीक, तो आइए नेक्स्ट सेशन देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए जो लास्ट सेशन हुआ था उसके आगे फिर लिखिएगा। अब हम लास्ट सेशन लिखे थे कि हमको अलाउड इलिप्टिकल ऑर्बिट पाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इंटीग्रेट करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए लिखे हैं कि द सेकंड इंटीग्रल इज इजली इवैल्यूएटेड बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स द एंगुलर मोमेंटम पी थीटा ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट दस फ्रॉम इक्वेशन टू। देखिए इक्वेशन टू का जो इवोल्यूशन है ये आसानी से इसको इवेलुएट कर सकते हैं, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स ये बताता है कि जब कोई सिस्टम आपका आइसोलेटेड है तो जो यहाँ हम सिस्टम बनाएं ये सिस्टम भी आइसोलेटेड है, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में इसको आप पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है तो इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स के इस पावर से हमको ये अथॉरिटी मिल गया कि पी थीटा को हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में कोई मतलब है नहीं। ठीक, तो पी थीटा क्या हो गया बाहर हो गया और ये जीरो से टू पाई डी थीटा हो गया जो कि एच के बराबर होगा। इक्वेशन टू आप देख रहे हैं, जब यहाँ देखिए थीटा यूज किए तो डी थीटा यूज किए, जब आर यूज किए डी आर यूज किए। ये अथॉरिटी कहाँ से मिला था विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल से ये अथॉरिटी हमको मिला था पीछे बताए थे। ठीक, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो थीटा देखिए जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं, आप तो इसको सॉल्व कर ही सकते हैं मैथ के स्टूडेंट आप लोग हैं। इसका इंटीग्रेशन डी थीटा है तो इसका मतलब यहाँ वन है, तो वन का इंटीग्रेशन थीटा के रिलेशन में क्या होगा थीटा हो जाएगा। ठीक, और ये क्या होगा जीरो से टू पाई हो जाएगा, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे टू पाई माने जीरो आएगा। ठीक, तो पी थीटा इंटू टू पाई आएगा, उसी टू पाई को हम क्या कर दिए नीचे उतार दिए हैं तो क्या हो गया के एच अपान टू पाई हो गया है। ठीक, और आप देख भी रहे थे कि जब बोहर से टांग मारा लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे यल इक्वल टू क्या था यल इक्वल टू जो लिखा था आपका क्या लिखा था जो एंगुलर मोमेंटम था एन एच का कट ऑर्डर का था जो जिसका वैल्यू क्या था एन एच अपान टू पाई था। यहाँ भी देखिए के एच कट ऑर्डर आ गया, यहाँ यन क्या था आपका वहाँ भी क्वांटम नंबर था, यहाँ भी क्या क्वांटम नंबर है के क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर बोले तो मतलब यही क्वांटाइजेशन के वैल्यू को क्या कर रहा है डिफाइन कर रहा है, जैसे आप यन इक्वल टू वन टू थ्री था वैसे के भी क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के डिफरेंट डिफरेंट क्वांटाइजेशन वैल्यू देगा एंगुलर मोमेंटम का। ठीक, अब देखिए द क्या लिखें फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे कि द इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इन इक्वेशन फर्स्ट गिव्स, जो इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ये हम लिखें वैल्यू। ठीक, चूंकि इक्वेशन फर्स्ट का जो सोल्यूशन है वो काफ़ी लेंदी है तो इस वजह से एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट ये लिखना है, एग्जाम में बैठ उसको लिखने मत लगेगा नहीं तो एक से डेढ़ पेज लगेगा, और कहीं अगर आप भूल गए कि क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है तो आपसे गलती भी हो सकता है। तो डायरेक्ट ये लाइन आपको दिमाग में छाप लीजिए अपने कि के एच इक्वल टू वन अपान अंडर रूट वन माइनस ई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एन आर एच होगा, जहाँ पे ई क्या है इसेंट्रिसिटी है। ठीक, लेकिन ये कैसे मिलता है इसको मैं ज़रूर दिखाऊंगा, तो पहले इसको यहाँ तक आपको पहुँचाता हूँ कि सोल्यूशन कैसे मिलेगा इक्वेशन फर्स्ट का, तब फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, सोल्यूशन भी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अगर आपको मन करेगा तो एग्जाम में उसको आप लिख दीजिएगा। ठीक,
ओके स्टूडेंट, तो जो ये रिजल्ट मैं आपको याद करने के लिए कहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट का जो सोल्यूशन था उसका सोल्यूशन ये लाइन कैसे आया है, इसका प्रूफ मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको एग्ज़ाम में मत लिखिएगा, थोड़ा सा तकलीफ उठाइए और इस लाइन को रट लीजिए। वैसे मैं रटने के लिए प्रेशर नहीं बनाता हूँ कभी किसी वीडियो में, लेकिन जहाँ मजबूरी रहेगी वहाँ आपसे कहा जाएगा कि रट लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको टाइम भी देखना रहता है। ठीक, बाकी ये कैसे आया है उसको एक बार मैं समझा देता हूँ। ठीक, अब देखिए, टू इवैल्यूएट द फर्स्ट इंटीग्रल, फर्स्ट इंटीग्रल हम लोग का क्या था, आप अगर देखे होंगे फर्स्ट इंटीग्रल पिछले सेशन में तो क्या था, पी आर डी आर इक्वल टू एन आर एस था। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन मानना पड़ेगा। देखिए, एक क्या है, रेडियल कंपोनेंट है, तो रेडियल वेलोसिटी हम लोग का आर थीटा था, तो जो रेडियल कंपोनेंट होगा मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का, वो क्या होगा, एम भी होता है, तो भी का वैल्यू आर डॉट था, तो एम आर डॉट हो जाएगा। और जो एंगुलर मोमेंटम होगा कंपोनेंट का, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट होगा किसका, एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर पी थीटा, वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो वेलोसिटी था आर स्क्वायर थीटा डॉट था, तो मोमेंटम एम इंटू भी होता है, तो ये क्या हो गया, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट हो गया। ठीक, अब देखिए, इलिप्स का जो आप पढ़े होंगे मैकेनिक्स लास्ट सेमेस्टर में, तो देखे होंगे इलिप्स का एक पोलर इक्वेशन होता है जो कुछ ऐसे होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/ स्मॉल a ब्रैकेट में 1 माइनस ई कास थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, और जहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, b बाई ए के बराबर होता है, जहाँ पर e आपका क्या है, इसेंट्रिसिटी है, और b क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है इलिप्स का, और a क्या, सॉरी, b क्या है, सेमी माइनर एक्सिस है इलिप्स का, और a क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है। ठीक, अब इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, जो पोलर इक्वेशन है इलिप्स का, उसी को क्या किए, डिफ्रेंशिएट कर दिए। ठीक, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको जब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये किसका फंक्शन है आपका, आर बस इधर है, तो जब थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, ये डी बाई डी थीटा, और यहाँ क्या है, 1/r है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक बार नीचे क्या करेंगे, r का मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, एक बार ऊपर dr का मल्टीप्लाई कर देंगे और d थीटा को ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब इसको r के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो अब जब 1/r का डिफ्रेंशिएशन होगा dr के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, -1/r स्क्वायर, और dr बाई d थीटा क्या रहेगा, एज इट इज इसके पास रहेगा। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए, जब इसको आप ओपन करेंगे तो एक टर्म आएगा 1/a, और 1/a का मल्टीप्लीकेशन होगा किस में, 1/a, और यहाँ पे उसके साथ क्या आएगा, 1/1 माइनस ई स्क्वायर, और दूसरा टर्म क्या आएगा, माइनस ई कास थीटा, और नीचे क्या होगा, a 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये पूरा जीरो हो जाएगा, और बाकी जो दूसरा टर्म बचेगा इसका थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, तो कास थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, इस वजह से यहाँ देखिए साइन थीटा आ जाएगा, और क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/a e साइन थीटा अपान 1 माइनस ई स्क्वायर बच जाएगा, इस वजह से मैं उसको लिखा हूँ। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ कि आप इसको समझ जाएं। ठीक, अब देखिए, ये टर्म वैनिश हो जाएगा क्योंकि इसमें थीटा कहीं है नहीं, ना डी आर है, सॉरी ना आर है, तो इस वजह से खत्म हो गया, पूरा कांस्टेंट है। अब देखिए क्या होगा, 1/r डी आर बाई डी थीटा, ठीक, 1/r डी आर बाई डी थीटा इसको लिखे हैं। ठीक, और इधर क्या लिखे हैं, माइनस ई अपान साइन थीटा, यहाँ से देखिए क्या किया गया है, यहाँ से एक आर का जो 1/r का वैल्यू है उसको क्या किए हैं, यहाँ लाकर पुट कर दिए। अगर आप इक्वेशन देख रहे होंगे, आप ऐसे समझिए कि 1 माइनस ई स्क्वायर के जगह क्या किए हैं, यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर है, इसी 1 माइनस ई स्क्वायर का वैल्यू क्या किए हैं, वहाँ पर ले जाके पुट कर दिए हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है और 1 माइनस ई स्क्वायर है। ठीक, तो इसके डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, a और 1 माइनस ई स्क्वायर है, तो अगर इसके वैल्यू को हम पुट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/r यहाँ है, साथ ही साथ इसका जो न्यूमरेटर है वो 1/r के साथ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर के वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, 1/r आएगा। ठीक, मिटा के मैं यहाँ लिखता हूँ, इस पोलर फॉर्म वाले इक्वेशन जब इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो a
वन माइनस ई स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, जो इसका वैल्यू होगा वो क्या होगा, चाहे ऐसे इसी फॉर्म में रन दीजिए, वन बाई ए वन माइनस ई स्क्वायर का जो वैल्यू अगर आएगा, इस इक्वेशन को अगर आप देख रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, ये वन बाई आर और इसके साथ क्या होगा, वन माइनस ई कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन आएगा, वन माइनस ई कॉस थीटा का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो इसी चीज़ को क्या किए हैं, यहाँ पर ला के रखे हैं, एक स्टेप बस स्किप किए हैं, ठीक, इसको क्या किया यहाँ पे ला के रखे हैं, तो R से R का एक पावर कैंसिल हो गया है, ठीक, 1 माइनस ई का थीटा बचा है, और जो इधर माइनस था उस माइनस को इधर कर दिए हैं। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, 1 a 1 माइनस ई स्क्वायर के जगह ये कैसे लिखे हैं, तो इस इक्वेशन से लिखे हैं, इस इक्वेशन में 1 बाई ए और उसके साथ 1 माइनस ई स्क्वायर का जो मल्टीप्लीकेशन है उसके वैल्यू को, इस वाले वैल्यू को R के साथ चिपका कर नीचे यहाँ ला कर रखे हैं, तो जब सॉल्व किए हैं तो R से एक R क्या हो गया, कट गया है, तो इसे 1 बाई आर बचा और माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर दिए हैं और इसके जगह 1 माइनस ई का थीटा बच गया है, ठीक। अब फिर दोनों साइड का क्या किए हैं, स्क्वायर किए हैं, मतलब एस ओ बी एस किए हैं, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक, न्यूमरेटर का स्क्वायर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ओके। अब देखिए हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन और है कि जो पी आर है वो क्या है, यम आर डॉट के बराबर है, इसको यम डी आर बाई डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इस डी आर बाई डी टी को डी आर बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी फॉर्म लिख सकते हैं, डी थीटा कट जाएगा तो डी आर बाई डी टी मिलेगा, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। नीचे जब डी थीटा से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी डी थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक, और वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू यम डी आर बाई डी थीटा तथा थीटा डॉट डी थीटा बाई डी टी को हम थीटा डॉट लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ तक आ गए। अब देखिए ये जो वैल्यू है, अब हम लोग यहाँ इक्वेशन देखे थे कि जो पी थीटा है वो क्या है, यम आर स्क्वायर थीटा डॉट के बराबर है। तो अब देखिए अगर इस इक्वेशन में ऊपर और नीचे क्या करें, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो यम आर स्क्वायर थीटा डॉट क्या हो जाएगा, पी थीटा के बराबर हो जाएगा और नीचे आर स्क्वायर बच जाएगा, तो पी थीटा अपन आर स्क्वायर और डी आर अपन डी थीटा को क्या किए, लिख दिए हैं, क्लियर। अब देखिए डी आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो डी आर है वो किसके बराबर होगा, डी आर बाई डी थीटा इंटू इसके बराबर भी हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। ये देखिए यहाँ डी आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी आर बाई डी थीटा और ये बगल में थीटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब डी थीटा क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो वो डी आर के बराबर ही बचेगा, क्लियर है चीज। तब इस डी आर की जगह क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर इधर हम डी आर लिख रहे हैं, पी के साथ डी आर लिख रहे हैं, तो उस डी आर को हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में भी डी आर लिखना पड़ेगा। जब फिर से समझिएगा मेरे बात को जो बताना चाह रहा हूँ, अगर इस पी आर के साथ डी आर लिख रहे हैं, और इस पी आर के साथ डी आर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है उसमें पी आर डी आर ही है, इसी को इवैल्यूएट करना है, इस वजह से इस फॉर्म पे हम पहुँचने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो जब इधर पी के साथ डी आर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी डी आर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर जब कर रहे हैं डी आर का मल्टीप्लाई तो ये मिल रहा है, तो इधर भी डी आर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस डी आर की जगह हम क्या लिखे हैं, डी आर बाई डी थीटा लिख दे रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और साथ में एक डी थीटा बच जाएगा, और वन बाई आर स्क्वायर है तो इसको भी होल स्क्वायर के अंदर कर लिए, ठीक, बस ये यहाँ पे सेटिंग किए हैं, ठीक। तो वन बाई आर और डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर लिख लिए, ये डी थीटा बच गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये इक्वेशन जब आया है तो हमको इक्वेशन फर्स्ट पे चलना, जो हम लोग का पी आर डी आर के फॉर्म में है, तो वहाँ क्या करना पड़ेगा, डी आर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डी आर से इधर भी मल्टीप्लाई किए हैं, डी आर से इधर भी मल्टीप्लाई किए हैं, लेकिन अब डी आर को ऐसे फॉर्म ले जाना पड़ेगा जिससे हम कैलकुलेशन को आसानी से कर सकें, तो इस डी आर को डी आर बाई डी थीटा इंटू डी थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस वजह से जब इसके जगह ये लिखेंगे तो डी आर बाई डी थीटा इसके साथ आ गया, तो ये भी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, और आर स्क्वायर भी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो वन बाई आर डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर लिख दिए, और डी थीटा क्या हुआ, यहाँ पे बच गया है, ठीक। अब देखिए फिर जो ये वैल्यू है इसको देखिए यहाँ पे निकाले हुए हैं, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लाके यूज कर लेंगे, तो ये हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड हमको मिल गया है, और इक्वेशन इसको जब इंटीग्रेट करेंगे इधर, तो पी थीटा क्या कांस्टेंट है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कांस्टेंट होता है, तो पी थीटा को बाहर निकाल लिए हैं और जीरो से टू पाई इंटीग्रेट कर दिए हैं, तो जब जीरो से टू पाई आप इंटीग्रेट इसको करेंगे आसानी से आप कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो इसका रिजल्ट आएगा कुछ ऐसा आएगा,
टू पाई पी थीटा वन माइनस ई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एन आर एच कट। इसको तो आराम से आप इंडिकेट कर लेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, मुझे पूरा विश्वास है, इस वजह से इसको आगे नहीं बताया हूँ। ठीक, अब देखिए जब यहाँ पे क्या आया है, पी थीटा आया, तो पी थीटा भी हम लोग पीछे साल किए थे कि इस पी थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, एन सॉरी उसका वैल्यू क्या है, के एच अपान टू पाई के बराबर आया था। इक्वेशन थ्री हम लोग देखे थे जो के एच अपान टू पाई के बराबर आया था, तो जब पी थीटा का वैल्यू रखेंगे तो टू पाई से टू पाई कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, के एच बचेगा। तो देखिए के एच लिखे हैं, फिर इसके साथ क्या बचेगा, वन माइनस ई स्क्वायर बचेगा, वन डिवाइडेड बाई वन माइनस ई स्क्वायर माइनस वन बचेगा, माइनस वन लिखे हैं और इजक्वल टू एन आर एच लिख दिए हैं, इजक्वल टू एन आर एच लिख दिए हैं। ठीक, तो यहां कैसे आया उसको मैंने यहां बता दिया। ओके, कैसे इक्वेशन आया है इसको मैंने यहां एक्सप्लेन कर दिया, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, अब बस यही सजेस्ट करूंगा आपको कि ये वैल्यू याद करिए, अदरवाइज इतना सारा सेटिंग करके चलना पड़ेगा। तो एग्जाम ऐसा थोड़ी ना कि एक ही क्वेश्चन आएगा कि आराम से उसको बैठ के दो घंटा हम करेंगे। ठीक, तो टाइम बचाने के लिए ये वैल्यू आप याद करिए, डायल लिखिएगा आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन वन वी गेट, या ऐसे भी लिख सकते हैं द इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट गिव्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि द इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट इज वेरी टीडियस एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट। ठीक, अब यहाँ तक हो गया, पहले इसको इरेज करूँगा और तब फिर इसके आगे प्रोसीड करूँगा। ठीक, ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे सोल्यूशन करते हुए, अब इसके आगे क्या लिखेंगे बता देंगे, वेयर ई इज इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, जहाँ पे ई क्या है, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी है। अब फिर इसको आगे जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, एन आर एच इधर है और जब इसको सॉल्व करेंगे तो के एच इसके साथ ऊपर आएगा, यहाँ माइनस के एच आएगा, जब उसको उधर ले जाएंगे तो एन आर प्लस के इंटू एच लिख सकते हैं, जैसे इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस के एच करके आएगा, तो अगर एच कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, एन आर प्लस के एच, और ये क्या हो जाएगा के एच, ये क्या हो जाएगा के एच अपान क्या हो जाएगा, वन माइनस अंडर रूट ई स्क्वायर। ठीक, अब फिर जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन आर प्लस के इजक्वल टू क्या हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो गया, तो ये के अपान वन माइन के अपान अंडर रूट वन माइनस क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब फिर इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन माइनस ई स्क्वायर इजक्वल टू के अपान एन आर प्लस के लिख सकते हैं। ठीक, अब फिर देखिए इसको आगे क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे एक बट, लेकिन हमको पता है कि एन माइनस ई सॉरी अंडर रूट वन माइनस ई स्क्वायर जो होता है वो बी बाई ए होता है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है किसका, प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स है। तो अब यहाँ से हम बी बाई ए लिख सकते हैं, किसके जगह, वन माइनस ई स्क्वायर की जगह बी बाई ए लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड में के बाई एन आर प्लस के रहेगा। अब चूंकि एन भी एक इंटीजर है और के भी एक इंटीजर है, जैसे मान लीजिए एक इंटीजर एन का वैल्यू क्या है, दो है, के का वैल्यू तीन है, तो ये दोनों इंटीजर हैं, तो जब दो इंटीजर को आपस में जोड़ा जाता है तो एक नया इंटीजर बनता है जो क्या हो जाएगा, फाइव बन जाएगा। ठीक, तो वैसे ही एन भी एक इंटीजर है, एन आर भी एक इंटीजर है और के भी एक इंटीजर है, इन दोनों का जो सम होगा वो भी एक इंटीजर होगा जो एक अनदर इंटीजर होगा। तो वही लिखे हैं कि सिंस एन आर एंड के आर इंटीजर कामा बी में पुट एन आर प्लस के इजक्वल टू एन, तो इस वजह से एन आर प्लस के को एक दूसरे इंटीजर से रिप्लेस कर सकते हैं जिसको स्मॉल एन लिखे हैं, और बता देंगे वेयर स्मॉल एन इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये जो स्मॉल एन होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक, अब देखिए के का वैल्यू क्या क्या होगा, जो k का वैल्यू होगा वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होगा, बट k शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये इक्वल के जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर k का वैल्यू 0 हो जाएगा, देखिए यहाँ से k का वैल्यू 0 होते ही b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका मतलब b का वैल्यू को 0 होने, मतलब जो हम लोग का इलिप्स था ये a था, ये b था, ये b का वैल्यू 0 होने मतलब क्या है, अब इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन होगा, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, नीचे ही पूरा ख़त्म हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे मोशन करेगा। तो ये क्या कर रहा है, जो इलेप्टिकल ऑर्बिट का कंडीशन उसको क्या कर रहा है, कंट्रडिक्ट कर रहा है, तो इस वजह से ये के इक्वल टू 0 यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि के इक्वल टू 0 होते ही बी इक्वल टू 0 हो जा रहा है, सेमी माइनर एक्सिस 0 हो जा रहा है और इलेक्ट्रॉन का मोशन स्ट्रेट लाइन में हो जा रहा है, जो इलेप्टिकल ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को कंट्रडिक्ट कर रहा है, तो इस वजह से के इक्वल टू 0 वाला कंडीशन हम नहीं लेंगे। ठीक, तो के को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट करेंगे।
तो लिख दिया कि बी का इफ के इज इक्वल टू जीरो देन बी इज इक्वल टू जीरो, इसी क्वेश्चन से क्लियर है चौथे से, ठीक। तब एंड इलिप्स वुड बिकम्स स्ट्रेट लाइन थ्रू द फोकस, और ये फोकस से पास करने वाला एक इलिप्स लाइन, फोकस से पास करने वाला एक क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, जो हमको नहीं करना है, ठीक। अब देखिए एनआर का वैल्यू क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 एन तक हो सकता है, ठीक। देयरफॉर एनआर का वैल्यू 0, 1, 2, 3 डॉट 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 ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक। देयरफॉर एन कैन टेक द वैल्यू, तो अब एन का वैल्यू क्या हो सकता है, एन का वैल्यू क्या होगा, 1, 2, 3 होगा। एन क्या है, एनआर प्लस के का सम है, एनआर प्लस के का सम है, तो के तो जीरो हो नहीं सकता, ये वन से स्टार्ट होगा, तो जिस टाइम एनआर का वैल्यू जीरो भी रहेगा उस टाइम भी एन का वैल्यू वन मिलेगा, ठीक। तो इस वजह से एन क्या है, वन से स्टार्ट हुआ है, ये चीज़ आपको क्लियर रहना चाहिए। 1, 2, 3 डॉट 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 ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे क्या होगा, बढ़ता हुआ चल जाएगा ऐसे, ठीक। देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम्स, अब इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, बी बाई ए इक्वल टू के अपान एनआर प्लस के की जगह क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, इसको बना दिए इक्वेशन नंबर 5। अब इसके आगे नेक्स्ट सेशन देखेंगे कि क्या हम लोग को लिख कर आना है, ओके ओके स्टूडेंट। तो देखिए अब उसके आगे क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 5 तक हो गया था, ठीक। इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे कि दिस इज द कंडीशन दैट डिटरमाइन द अलाउड इलिप्टिकल ऑर्बिट, और यही कंडीशन है जो बताएगा कि कौन सा ऑर्बिट जो होगा अलाउड होगा, और ऑर्बिट का शेप और साइज भी अभी आगे हम लोग इसी के हिसाब से क्या कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे, ठीक। मतलब ये क्या है, अलाउड ऑर्बिट का क्या है, कंडीशन है कि बी बाई ए जो होना चाहिए वो के और एन, मतलब जो ये इंटीजर हैं इनके रेशियो से ही क्या होता है, डिटरमाइन होता है, ठीक। अब देखिए शेप एंड साइज ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करेंगे कि इलिप्टिकल ऑर्बिट का शेप और साइज क्या होगा। देखिए सोमरफील्ड साहब ने इलिप्टिकल ऑर्बिट का कौन सा अलाउड, कौन सा ऑर्बिट मतलब अलाउड होगा, कौन सा इलिप्टिकल ऑर्बिट अलाउड होगा, उसका भी कंडीशन दे दिया, तथा साथ ही साथ उन्होंने उसका शेप और साइज क्या होगा उसका भी कंडीशन दिया था। तो देखिए सब कुछ ये वेरीफाई करते हुए चले गए, बोहर साहब की तरह आर्बिट्ररी कॉन्सेप्ट इनका नहीं था, ठीक। अब देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल केस में जो एनर्जी होगा वो एकदम सेम होगा जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल केस में एनर्जी था, ठीक। ये चीज़ आपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जो एनर्जी बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में आ रहा था सेम एनर्जी सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल में भी होता है, ठीक। अब देखिए इसका साइज और शेप क्या होगा इलिप्टिकल ऑर्बिट का, उस पे चला जाएगा। तो देखिए ए इक्वल टू ये वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस आप अपने दिमाग में ये वैल्यू दोनों रखे रहिए, ठीक। इससे कुछ लेना देना नहीं है, बस साइप और शेप, साइप और वो शेप बताने के लिए मैं इसको यूज किया हूँ, ठीक। ए का जो वैल्यू होता है, ए क्या आपका सेमी मेजर एक्सिस है, एन स्क्वायर अपॉन जेड एट ए नॉट होता है, जो हाँ ए नॉट का वैल्यू ये है, ये क्या है फर्स्ट बोहर रेडियस है जो हम लोग पीछे डिराइव कर चुके हैं, और जो बी का वैल्यू है एन के अपॉन जेड है, और ये क्या होगा ए नॉट के एन के अपॉन जेड इंटू ए नॉट के क्या होता है बराबर होता है। इसको इक्वेशन 6 और 7 माने हैं, ये दोनों इक्वेशन अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो आसानी से आप किसी भी दिए गए ऑर्बिट का शेप और साइज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको इसकी वैल्यू पता चल जाए एन का वैल्यू, तो आप आसानी से जो सोमरफील्ड का जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसके शेप और साइज को पता कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इलिप्टिकल ऑर्बिट था, तो इलिप्स को डिजाइन करने के लिए, इलिप्स को डिजाइन करने के लिए ए और बी पता रहना चाहिए। तो ए और बी का फार्मूला अपने दिमाग में रखिएगा, इन ए और बी के फार्मूला से आप डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप का इलिप्स ड्रा कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चीज़ों को लिया भी है, ठीक। ये वैल्यू कहाँ से आया है, तो जैसे बोहर एटॉमिक मॉडल में आप पूरा का पूरा सॉल्व करके वैल्यू निकाले थे, वैसे इसमें भी पूरा का पूरा वैल्यू सॉल्व करके निकालना पड़ता है। तो फिर ए का वैल्यू ऐसे मिलता है, और ए के वैल्यू में जो ये होता है ये आपका बोहर्स फर्स्ट रेडियस होता है, जो मैं वहाँ बताया था जब बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ाया था, तो उसको यहाँ पुट कर दिया। तो आपको यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि द इनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट इन केस ऑफ सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक, ये नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए हाइड्रोजन केस जब ले रहे हैं तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक केस ले रहे हैं कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है, एन इक्वल टू 1 है, जब प्रिंसिपल क्वांटम का नंबर मतलब एन इक्वल टू क्या है 1 है, तो उस टाइम पर शेप और साइज क्या होगा अब ऑर्बिट का उसको देखा जाएगा। तो देखिए ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये क्या है, एन आर प्लस के बराबर है, ठीक।
तो n का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब nr का वैल्यू डेफिनेटली 0 रहा होगा, क्योंकि k का वैल्यू 0 हो नहीं सकता है, तो 0 प्लस 1 तभी तो ये n 1 आएगा n का वैल्यू, तो इसका मतलब k का वैल्यू 1 रहा होगा और n का वैल्यू 0 रहा होगा। तो क्या कंडीशन बन सकता है कि n इक्वल टू 1 जब होगा तो k इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, क्लियर, क्योंकि nr का वैल्यू 0 हो सकता है, k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, ठीक। और तभी ये कंडीशन है, दो संख्या का सम अगर 1 है, टू नंबर्स का सम अगर 1 है, तो इसका मतलब क्या है, कोई एक नंबर 0 होगा और कोई एक नंबर 1 होगा, तो nr 0 हो नहीं सकता पीछे, सॉरी k 0 हो नहीं सकता पीछे, हम लोग देखे हैं अगर k 0 होगा तो b का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो इस वजह से nr को 0 होना पड़ेगा, तो nr जैसे 0 होगा तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए z का वैल्यू 1 है, क्लियर, n का वैल्यू 1 है, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, a नॉट मिलेगा, जो a नॉट क्या है, बोहर्स फर्स्ट रेडियस है, जो बोहर ऑर्बिट का पहला रेडियस आया था वही ए नॉट है। आप बोहर वाला अगर आप मेरा देखे होंगे वीडियो तो आप समझ रहे होंगे चीज़ को, ठीक। आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को सीरियल वाइज देखते हुए आइए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में जो पहले पढ़ा गया वीडियो वो यूज होता है। अब देखिए यहाँ से k का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 है, z का वैल्यू 1 है, तो b इक्वल टू भी क्या होगा, a नॉट होगा। तो इसका मतलब अब जो हम लोग का इलिप्स है, जो इलिप्स ये बना था, ये क्या था हम लोग का a था और ये क्या था b था, a और b दोनों आपस में बराबर हो गए हैं, a इक्वल टू b इक्वल टू क्या हो गया है, b नॉट हो गया है, तो इसका सॉरी a इक्वल टू b इक्वल टू a नॉट हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक सर्किल हो जाएगा, और देखिए क्या हो गया, एक सर्किल बन गया है जिसका रेडियस क्या है, a नॉट के बराबर है, क्लियर, जिसका सर्किल क्या है, ए नॉट के बराबर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो इधर का बी होगा वो भी क्या होगा, या इसको ना लिखें तो बेटर है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। ए इक्वल टू क्या होगा, ए नॉट हो गया, एक सर्किल हो गया, इसका मतलब क्या है, जो सर्कुलर ऑर्बिट था वो इलिप्टिकल ऑर्बिट का एक स्पेशल केस है कि जब ए बी के बराबर होगा और उसका एक वैल्यू ए नॉट आ रहा है तो एक क्या होगा, सर्किल होगा, ठीक। आगे कुछ और केस हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ओके। अब देखिए अगर n इक्वल टू 2 हो जाता है तब कैसा साइज और शेप होगा, इस चीज़ को देखा जाएगा, ठीक। तो देखिए n इक्वल टू 2 हो रहा है तो इस टाइम k के दो पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए n इक्वल टू 2 है तो n का वैल्यू क्या होता है, nr प्लस k होता है, ठीक। तो एक कंडीशन ये हो सकता है कि nr का वैल्यू 0 रहा हो, तब k इक्वल टू अगर 2 होगा तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि nr का वैल्यू क्या रहा हो, 1 रहा हो, और k का वैल्यू 1 रहा हो, तब भी n इक्वल टू 2 हो सकता है, ठीक। मतलब दो संख्या a प्लस b का अगर सम क्या है 2 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो कोई एक संख्या 0 हो और दूसरी संख्या 2 हो, या तो दोनों संख्या क्या हो, 1-1 हो। तो देखिए कोई एक संख्या 0 इसमें से होना पॉसिबल तो है ही, मतलब nr 0 हो सकता है, ठीक। तो इसका मतलब k क्या होगा, 2 होगा, या ये हो सकता है कि nr का वैल्यू 1 रहा हो और k का वैल्यू भी 1 रहा हो। तो दो कंडीशन इसमें बनेंगे। पहला कंडीशन इसमें क्या हो जाएगा कि k इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। फिर से वह समझाते हैं कि दो संख्या a प्लस b का सम 2 है तो इसका मतलब क्या है, या तो किसी एक संख्या का वैल्यू 0 हो और दूसरा क्या हो, 2 हो, या दोनों का वैल्यू क्या हो, 1-1 हो। तो n इक्वल टू nr प्लस k है तो इसमें या तो किसी एक संख्या का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो दोनों का वैल्यू 1-1 होना चाहिए। तो nr का वैल्यू देखिए 0 हो सकता है लेकिन k का वैल्यू 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब एक बार k का वैल्यू 2 होगा और nr का वैल्यू 0 होगा तब n इक्वल टू 2 आएगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि एक बार nr का वैल्यू 1 और k का वैल्यू क्या 1 हो तब n इक्वल टू 2 आएगा, ठीक। तो देखिए जैसे ही k का वैल्यू 2 होगा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, k का वैल्यू जैसे 2 होगा तो इस इक्वेशन से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 a0 हो जाएगा, ठीक। k के वैल्यू 2 पे a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 4 a0 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि उस टाइम n इक्वल टू क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गया आपका, 4 a0 हो गया। इसको k से कुछ लेना देना है नहीं, ठीक। अब फिर देखिए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस nr को कैसे लिखेंगे, nr प्लस a ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर k पे डिपेंडेंटी इसका बनाना चाहते हैं कि उस पर डिपेंड करे तो nr प्लस k का होल स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, तब आप यहाँ से इस चीज़ को कह सकते हैं कि जब k का वैल्यू 2 होगा तो nr 0 है और ये k का वैल्यू 2 होगा तो क्या हो जाएगा, 4 a0 आ जाएगा, ठीक। दूसरा कंडीशन देखिए, b का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू 2 है और k का वैल्यू 2 है तो b इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 4 a0 आ जाएगा। और हम हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं तो z का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 4 a0 आ जाएंगे, तो 4 a0 हो गया, ठीक।
दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि के का वैल्यू 1 हो और एन आर का वैल्यू 1 हो, तो उस कंडीशन पर क्या होगा, ए का वैल्यू तब भी 4 एन आर आएगा। क्यों? क्योंकि जो एन आर है वो सॉरी जो एन है वो एन आर प्लस के का सम है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 एन आर, और एन का वैल्यू 1 है, और यहाँ पे देखिए एन का वैल्यू क्या है 2 है और के का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया 1 × 2, तो ये सॉरी एन का वैल्यू क्या है 2 है और ये क्या है के का वैल्यू भी क्या है, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो के का वैल्यू क्या है 1 है, दूसरा केस देखिए देख रहे हैं ना, एन का वैल्यू क्या है 2 है और के का वैल्यू 1 है, तो 2 क्या हो जाएगा 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 ए नॉट हो जाएगा, और जेड का वैल्यू तो 1 होगा, हाइड्रोजन केस ले रहे हैं तो ठीक, तो ये क्या हो गया 2 ए नॉट हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 2 के लिए 2 अलाउड ऑर्बिट होंगे, एक क्या होगा बोहर सर्कुलर ऑर्बिट होगा जिसका रेडियस 4 ए नॉट होगा, और दूसरा क्या होगा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा जिसका जो सेमी मेजर एक्सिस है वो 4 ए नॉट होगा। देखिए सेमी मेजर एक्सिस 4 ए नॉट और जो उसका सेमी माइनर एक्सिस होगा वो 2 ए नॉट होगा, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक, तो अब फिगर बना किसी चीज़ को दिखा दिया जाएगा, देखिए कितना आसान है। थोड़ा आज का वीडियो लंबा जा रहा है क्योंकि मेरा कोशिश था कि एक ही वीडियो में पूरा आपको पढ़ा दिया जाए। ठीक, इसके बाद थोड़ा 5 मिनट और लगेगा, दूसरा वाला जो आइडिया रिलेटिविस्टिक मास था उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, जब आपका k का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 2 है तो उस टाइम क्या बन रहा है, एक सर्किल बन रहा है। ठीक, थोड़ा सर्किल सही नहीं बन रहा है, तो ये देखिए क्या है, जब इसका वैल्यू क्या है a इक्वल टू क्या है 4 ए नॉट है। ठीक, तो ये भी क्या होगा आपका 4 ए नॉट होगा। ठीक, 4 ए नॉट ये भी होगा। अब देखिए दूसरा केस क्या है, ये किसके लिए सर्किल किसके केस में बन रहा है, आप लिख सकते हैं ये किसके केस में है, जब n इक्वल टू 2 है और k इक्वल टू क्या है 2 है। ठीक, अब देखिए जब n इक्वल टू 2 है और k इक्वल टू 1 है तो दो कंडीशन हो रहा है, एक इलिप्स बन रहा है जिसका सेमी मेजर एक्सिस क्या है 4 ए नॉट है, तो मतलब इलिप्स कुछ ऐसे शुरू होगा। ठीक, और ये देखिए क्या होगा 2 ए नॉट क्या रहेगा, यहाँ से जाएगा। ठीक, 2 ए नॉट यहाँ जाएगा, उतने दूरी पे यहाँ से ही पास करेंगे तो क्या हो जाएगा b का वैल्यू देगा, तो इलिप्स जो बनेगा। ठीक, फिगर मेरा सही नहीं बन रहा तो आप लोग थोड़ा सही बनाइएगा। ये देखिए दूसरा क्या बनेगा, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बनेगा। ठीक, जो कहाँ से पास होगा, वो जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है वो कुछ ऐसे पास होगा, और ये क्या होगा आपका, ये जो होगा ये जो वैल्यू है ये एच इक्वल टू 4 ए नॉट होगा, और ये क्या होगा बी इक्वल टू 2 ए नॉट होगा। ठीक, मतलब इसके रेडियस का आधा जो होगा वही क्या होगा बी होगा, और इधर भी इसके रेडियस का जो आधा होगा वही बी होगा। ठीक, और ये क्या है 4 ए नॉट और 4 ए नॉट ये हो जाएगा। ठीक, इसको यहाँ से पास करें ज़्यादा बेटर है, सीधे यहाँ से ऐसे पास कराइए। ठीक, आप फिगर सही से बनाइएगा, रुकिए एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूँ, मार्कर थोड़ा स्लिप कर जा रहा है इस वजह से फिगर सही नहीं बन रहा है। ठीक, अभी फिगर सही नहीं बना है लेकिन काम चलाऊ हो गया है। ये देखिए क्या आपका 4 ए नॉट है ए का वैल्यू, और ये भी क्या आपका 4 ए नॉट है। ठीक, अब यहां से जब इसको मिलाया जाएगा, यहां से फिर क्या होगा, ये तो n इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 2 के लिए है कि क्या होगा, ये एक आपका सर्कुलर ऑर्बिट होगा, लेकिन यही अगर हम बात करें किसके लिए, यही जब बात करेंगे हम n इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 1 के लिए, तो ये क्या होगा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, मतलब जो b होगा वो क्या होगा कुछ b ये होगा, इलिप्स का जो b होगा वो कुछ ये होगा, और ये क्या होगा आपका 2 ए नॉट, और ये क्या होगा आपका 2 ए नॉट होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या होगा एक इलिप्स बना दीजिएगा जो क्या होगा कुछ ऐसे होगा। ठीक, ये देखिए इलिप्स हो गया। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 4 ए नॉट हो जाएगा। ठीक, ऐसे देखिए दो ऑर्बिट बनेंगे, एक सर्किल बनेगा और क्या इलिप्स बनेगा, ये कौन सा कंडीशन है एन इक्वल टू 2 और के इक्वल टू 1 वाला कंडीशन है। ठीक, अब आपका एक असाइनमेंट दे रहा है एन इक्वल टू 3 के लिए, आप साइप और शेप बनाइएगा इलिप्टिकल ऑर्बिट का, जरूर कोशिश करिएगा, इससे आपको सीखने को मिलेगा कि कितने सर्कुलर ऑर्बिट और कितने इलिप्टिकल ऑर्बिट होंगे। अगर आपसे नहीं बन पाएगा तो आप व्हाट्सएप पे उसको पूछ सकते हैं। ठीक, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, यहाँ भी नोट कर दे रहा हूँ।
इस पे आप पूछ सकते हैं कि उसका साइप और सेस, साइप और सेप कैसा होगा, बार बार सेप निकल जा रहा है, साइप और सेप कैसा होगा। ठीक, अब सेकेंड वाला हम लोग देखेंगे, सेकेंड आइडिया इनका, उसके बाद वीडियो को फिनिश कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग आइडिया ऑफ वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी देखेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है। क्यों रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, क्योंकि सोमरफील्ड साहब ने क्या किया था, इस पर जब स्टडी किया था तो उन्होंने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी था वो लाइट के स्पीड का 1/137 टाइम्स था। मतलब ये लगभग इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी लाइट के स्पीड पे अप्रोच कर रहा था, तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन को इसमें रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। और जब रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, उसका जो मास होगा वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी पे डिफरेंट डिफरेंट मास होगा, क्योंकि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का जो मास का फार्मूला होता है कुछ ऐसे होता है, m=m₀ / 1 - v²/c²। साथ ही साथ आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि अगर इलेप्टिकल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक, जिस टाइम इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा पेरिहेलियन पर रहेगा, जो न्यूक्लियस के पास वाला पॉइंट होता है सबसे, उसको क्या कहते हैं, पेरिहेलियन कहते हैं। ठीक, तो इस जिस टाइम पे यहाँ रहेगा वहाँ देखिए क्या होगा, आर क्या होगा, सबसे छोटा होगा, और जो कूलम फोर्स है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है, वो आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका नाम यहाँ पे आर सबसे कम होगा तो एफ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा इस पॉइंट पे, तो इस वजह से इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ अगर एफ हेलियन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, आर देखिए मैक्सिमम है, तो जो कूलम फोर्स होगा यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि आर क्या है, मैक्सिमम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, सबसे कम होगा। ऐसे ही अगर बीच में कहीं पॉइंट ले लें यहाँ पे, तो उसका जो वेलोसिटी होगा इस वाले से ज़्यादा होगा। ऐसे यहाँ पे ले लेंगे तो उसका इसका वेलोसिटी इस वाले से ज़्यादा होगा। इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर क्या करेगा, इसका वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक, और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर जब वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगा तो उसका मास भी क्या होगा, वेरी करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, तो इस फॉर्मूले से उसका मास भी क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक, तो उसी चीज़ को लिखा गया है कि द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरीज कंसिडरेबली एट डिफरेंट पॉइंट एलॉन्ग इलिप्टिकल पाथ, सो इट्स मास इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजिशन, इसलिए इसका मास डिफरेंट पोजिशन पे डिफरेंट होगा। और द वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी इज गिवन बाई, और जो वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी है उसको हम इस फॉर्मूले से देते हैं, जहाँ जहाँ यम है वहाँ पर यम नॉट अपान 1 - v²/c² लिखेंगे, जहाँ यम नॉट क्या है, ये क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो अब फिर आगे क्या लिखेंगे, सो इन ऑर्डर टू गेट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी दिस इफेक्ट मस्ट आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक, तो इस वजह से अब जो कर हमको अगर एनर्जी और ये कहलाता है वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वगैरह अगर करेक्ट चाहिए तो उसमें ये चेंजेस भी लाने पड़ेंगे, जहाँ जहाँ यम है वहाँ इस फॉर्मूले को पुट करना पड़ेगा, यम की जगह ये वैल्यू क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इस तरीके से हम लोग सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल पढ़े और हम लोग देखे कि वास्तव में ये एक एक्सटेंशन ही था बोहर एटॉमिक मॉडल का। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, तथा साथ ही साथ अपना वैल्यूबल फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, क्योंकि आज का लेक्चर काफ़ी लंबा बना है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी लगाया, तो सो अपना वैल्यूबल फीडबैक देते रहिए ताकि मैं एनर्जेटिक होकर और भी अच्छे अच्छे लेक्चर आपको प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।